हाउ टू फिक्स वन प्लस नाइन फिंगरप्रिंट सेंसर डिसेबल्ड प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप जो है फिंगरप्रिंट सेंसर डिसेबल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो दोस्तों जब आप अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन को यहाँ पे ओपन करते हैं तब आपके फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो यहाँ पे लाइट अप हो जाते हैं ठीक है लेकिन जब डिसेबल होगा वो लाइट अप नहीं होगा वो बैकग्राउंड पे ही शो होगा यानी कि वो काम नहीं करेगा ठीक है तो कैसे करके आपको इनेबल करना है कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये मैं आपको इस वीडियो पर बताऊँगा वीडियो के अंत तक बने रहिए सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आइकन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखें प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर मोबाइल को सेफ़ मोड पर रिबूट कीजिए लेकिन उससे पहले ठीक है सेफ़ मोड पे रिबूट करने से पहले जाइए सेटिंग पर सिक्योरिटी लॉक स्क्रीन ओपन कीजिए और चेक कीजिए फिंगरप्रिंट अनलॉक आपने सेट किया हुआ है या नहीं है अगर सेट किया हुआ है यहाँ पर फिंगर वन शो कर रहा है यानी कि आपने सेट किया हुआ है तो आप मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट कीजिएगा अगर आपने ऐड ही नहीं किया है फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे काम नहीं करेगा तो पहले फिंगरप्रिंट को ऐड करना होगा ठीक है लेकिन मान लीजिए ऐड किया हुआ है फिर भी डिसबल्ड है आपका सेंसर तो आपको पावर बटन को प्रेस एंड हॉल करना है ऑफ बटन को दो सेकंड क्लिक करके रखना है और ओके okay कर देना है जैसे ओके okay करेगा मोबाइल सेफ मोड पे रिबूट हो जाएगा और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लेकिन मान लीजिए आपने फिंगर प्रिंट नहीं किया है तो जाइए सेटिंग सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिए उसके बाद जाइए फिंगर पर अपना मोबाइल का पासवर्ड पैटर्न जो भी है वो भर दीजिए एट फिंगर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है ओके okay करना है और यहाँ सेंसर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा यहाँ पे आपको फिंगर प्रिंट जो है वो भरना होगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप भी यहाँ पे भर लीजिए थोड़ा सा अपना फिंगर को मूव करते हुए आपको सेट करना है आपका फिंगर तो अच्छे से आपको यहाँ पे इसको सेट कर देना है तो ये हो गया नेक्स्ट पे क्लिक करते और नेक्स्ट पे और भी आपको यहाँ पे सेट करना होगा फिंगर टिप को यहाँ पे दोस्तों आप ऐड करते रहिएगा ऐड कीजिए छोड़िए ऐड कीजिए ठीक है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको करना है फिंगर को अप डाउन अप डाउन करते रहिएगा तो ये हो गया सेट डन पे क्लिक कीजिए उसके बाद ऐड हो गया तो फिंगरप्रिंट जो है टिन ऐड कर सकते टिन उंगलियों का ऐड कर सकते ठीक है कोई मोबाइल पे पांच उंगलिया का कर सकते हैं लेकिन इस वन प्लस में थ्री ऑप्शन से तो थ्री फिंगर आप एड कर सकते हैं तो अभी दोस्तों चेक करके देखिए मोबाइल को लॉक कीजिए अनलॉक कीजिए और फिंगरप्रिंट आपका काम कर जाएगा सेंसर आपका इनेबल हो जाएगा डिसेबल प्रॉब्लम सॉफ्ट बाई एनी चांस अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आते तो जाइए सेटिंग स्क्रॉल डाउन कीजिए सिस्टम पर क्लिक कीजिए सिस्टम अपडेट पर क्लिक कीजिए सिस्टम अपडेट पर क्लिक करने का और मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा जैसे ही मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर डिसेबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद नहीं होगा आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग